back, I am Krishna and this channel is all about our food cravings. तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है बैंगलोर वाली तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि आई एम ट्रैवलिंग टू ऋषिकेश एंड योर आई एम टुडे एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ऋषिकेश आई हूँ एंड ट्रस्ट मी इट हैज़ रियली पीसफुल वाइब्स ओवर हियर। आज की जो वीडियो है ये ऋषिकेश सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है। सो बस यहाँ के स्ट्रीट्स पे घूमते घूमते हमें एक बहुत यूनिक चीज़ मिली है जो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर की जाए। सो ये जो जगह है ये पिज्ज़ा सेल करती है। सो पिज्ज़ा कोई यूनिक चीज़ नहीं है, आई नो राइट, बट ये जो पिज्ज़ा है ये स्ट्रीट साइड पिज्ज़ा है जो कि वुड फायर ओवन में बन रहा है। इसके पहले मैंने ओबियसली कैफेज रेस्टोरेंट्स में वुड फायर ओवन पिज़्ज़ा खाए हुए हैं बट स्ट्रीट साइड मैंने पहले कभी नहीं खाया। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये तपोवन ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के रोड पे सीधा सीधा चल के बस एक टर्निंग आती है, फर्स्ट टर्निंग आती है राइट साइड में, बस वहीं पे मिल जाएगा कॉर्नर पे। इसके बाजू में एक टैटू की शॉप है सो इट इज़ वेरी इजी टू रिकग्नाइज और मैं पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी नीचे। तो चलते हैं ये जो जगह है वहाँ पर और इनके ओनर से बात करते हैं कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया। इसका नाम है पिज्जा मेल। बेस्ट कौन सा बेस्ट सेलिंग पिज्जा? सबसे बेस्ट सेलिंग पिज्जा हमारा वेज सुप्रीमो। अच्छा, वेज सुप्रीमो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा पिज्जा होता है। तो आज हम वही खाएंगे, देखते हैं फिर बनते वक्त। इतने सारे ऑप्शंस है स्ट्रीट पे कि लोग यहाँ पे आलू टिक्की पानी पूरी ऐसे बना रहे हैं, बट आपको पिज्जा का आइडिया कहाँ से आया स्ट्रीट पे? मैम एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि पिज्जा एक अपने आप में एक बहुत पॉपुलर आइटम है और पिज़्ज़ा का जो एक वो होता है तो हम बड़ी सी वो देखते हैं कि कोई बड़ा सा मॉल होगा या कोई बड़ी सी शॉप होगी, रोड साइड पे पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने इसको क्या है कि हमने थोड़ा सा माइंड लगाया, गाड़ी का सेटअप बना के ओवन इसके अंदर फिट करके तो हमने इसको रोड साइड पे लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है पब्लिक ऑन द स्पॉट देख लेती है हाँ पिज़्ज़ा है तो हमारा ठीक ठाक हो जाता है। तो वो चीज़ है, देहरादून से स्टार्ट किया था 2017 आई थिंक 17 में गया। ऋषिकेश में दो हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पे? एक तो तपोवन में है और एक लक्ष्मण झूला। ओवन पिज्जा बनाओगे? आई मीन ओवन इतने स्मार्ट नहीं होते थे, कुछ नॉर्मल से बनाया, हमने सीख सीख के इसको आगे तैयार किया है, रेसिपी को सीखा है। कुछ गलत होता था तो फिर हम उसको करेक्शन करने की सोचते, कस्टमर फीडबैक पे हमने पूरा काम किया, कस्टमर को क्या टेस्ट है, अगर हमारा टेस्ट ऊपर नीचे तो हम उसको सुधार देते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं उनको भी अच्छा लगता है? मैम बहुत फॉरेनर तो हमारे यहाँ पे रेगुलर हैं, हमारे 8-10 ऐसे फॉरेनर हैं जो हमारे डेली आते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12-1-2 रात को जितना कस्टमर आता है उस हिसाब से स्टार्ट रखते हैं। नॉर्मली 12 हमें लास्ट टाइमिंग होती है, 5 से 12 लोग नॉर्मली साइज़ में फ़र्क नहीं रखते हैं क्योंकि स्ट्रीट में होता है जल्दबाजी में तो ज़्यादा भीड़ होती है तो इसलिए साइज़ का हमने रखा नहीं है। नॉर्मल 9 इंच का पिज़्ज़ा बनाते हैं जिसमें कि 6 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा हैं। मार्गरेटा होता है, प्लेन मार्गरेटा फर्स्ट होता है, 101 से स्टार्ट है, और उसके बाद टमाटो वेजीज होता है 151 रुपये में, वेज सुप्रीमो है 201 रुपये में, और स्पाइसी गार्लिक वेज सुप्रीमो है 251 और पनीर 301। तो हमने 6-7 वैरायटी है, बाकी सैंडविच इसके अंदर बनाते हैं और बर्गर बनाते हैं और गार्लिक ब्रेड, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, प्रॉपर जो पिज़्ज़ा का जो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा होता है वो हम बनाते हैं। हमारा पिज़्ज़ा का जो बेस होता है बहुत थिन क्रस्ट होता है ताकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, वो चीज़ मोटा बेस नहीं बनाते। आगे का हमारा फ्यूचर प्लान जो है वो इस पिज़्ज़ा को लेकर पिज़्ज़ा मेल की हमने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है जिसमें कि हम पूरे पैन इंडिया में फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। अगर किसी को एक रेडीमेड बिज़नेस चाहिए और एक बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस चाहिए तो वो पिज़्ज़ा मेल की फ्रेंचाइजी ले सकता है। पिज़्ज़ा मेल की फ्रेंचाइजी मात्र 3 लाख रुपये में, 3 लाख रुपये में हम एक पूरा वैन कॉन्सेप्ट देंगे जिसमें सोलर वोलर लगा हो, कैमरा लगा होगा, सॉफ्टवेयर होगा, फ्रिज होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो 3 लाख रुपए में उसको फ्रेंचाइजी मिलेगी 3 साल के लिए, है ना, उसके बाद जो भी रिन्यू का होता है वो हम देंगे, बाकी इसमें 5-7% उसको रॉयल्टी होगी, रॉयल्टी पे होगी। तो 3 लाख रुपए का हम पिज़्ज़ा का एक फ्रेंचाइजी सेटअप दे रहे हैं। हाँ जी, ले सकता फ्रेंचाइजी? मैम एलिजिबल इसमें कोई नहीं है, इसमें वो बेरोज़गार लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, है ना, या फिर कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं जिनको मतलब होता है कि हम क्या करें, तो उनके लिए बिज़नेस है। जो लोग युवा भटक रहे हैं कि हम क्या करें क्या करें, पैसा है थोड़ा बहुत करने के लिए, तो रेडीमेड बिज़नेस है वो, कहीं पे भी स्ट्रीट फूड है तो इसमें नुकसान नहीं होगा,
बाकी हम इसको धीरे धीरे हम इसको शादी और पार्टियों में भी यूज़ करेंगे, तो जो फ्रेंचाइजी लेगा उसकी महीने में 2 शादियाँ भी होंगी तो उसका प्रॉफिट अपना पाएगा। आपको लगता है कि आपका भी प्रॉफिटेबल बिजनेस? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमारा आप चल रहा है, बिल्कुल खुश है। 1 गाड़ी से 2 गाड़ी बना ली तो खुश है। सही बात है। सो हमारा पिज्ज़ा बन के आ चुका है और ये बहुत डिलीशियस लग रहा है देखने में ही, मतलब इसका जो अरोमा है वो इतना सही है कि आई जस्ट कांट वेट टू ट्राई द फर्स्ट बाइट ऑफ इट। इसमें इतनी सारी टॉपिंग डाली हुई है स्ट्रीट साइड में, मतलब मुझे नहीं लगा था कि स्ट्रीट साइड पिज्ज़ा में ऐसा कोई पिज्ज़ा बन सकता है या मिल सकता है। मतलब बिल्कुल जैसे कि आप कैफेज़ में खाते हो या फिर आप कहीं पिज़्ज़ा वाली जगहों पे खाते हो वैसा ही पिज़्ज़ा है। इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि इसमें ज़्यादा टॉपिंग्स है और ये ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है, बिकॉज़ ये बिल्कुल अपनी आँखों के सामने बनता है फ्रॉम स्क्रैच। सो इसमें हम देख सकते हैं इसमें काफ़ी भर भर के, पहली बात तो चीज़ है, ऑलिव्स है, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम, अनियंस, टमेटोज, सब कुछ है। और मेरा सबसे फेवरेट ऑलिव्स एज ऑलवेज। यहाँ पे सिर्फ थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनता है और विच इज़ नाइस, सबको मुझे मोस्टली थिन क्रस्ट ही पिज़्ज़ा पसंद है। सो लेट्स टेक अ फर्स्ट बाइट एंड सी हाउ इट्स टेस्टिंग। सो वी कैन सी इसका चीज़ पुल कितना सही है, नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटिंग आई मस्ट से। एंड यू वी टेक अ फर्स्ट बाइट, चीयर्स। एब्सोल्युटली डिलीशियस। परफेक्ट क्वांटिटी में चीज़, ना कम ना ज़्यादा। वेजीज बहुत क्रंची और जो क्रस्ट है ये काफ़ी अच्छे से बेक हुआ है। और जो सॉस जो है इनकी, ये होममेड सॉस होती है, अपने से सॉस बनाते हैं, तो ये बाहर की बाज़ार वाली सॉस नहीं है इनकी। दिस इज़ वेज सुप्रीमो पिज्ज़ा यहाँ पे पिज्ज़ा मेल पे। बहुत लाजवाब, मतलब नो वर्ड्स, मतलब मुझे बहुत डाइसी थी मैं कि ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटिंग। जितने दिन भी मैं ऋषिकेश में हूँ मुझे पता है कि मैं यहाँ बार बार आने वाली हूँ, तो टिल देन आई विल एंजॉय माय पिज्ज़ा। आपके पिज्ज़ा लवर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और आपको आगे ऋषिकेश सीरीज़ की और भी ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन स्टे हाई ऑन योर क्रेविंग्स।